हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जिन पर आप 2024 में नजर रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स आखिर होते क्या हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स को हम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स भी कहते हैं। ये कंपनीज वो सिलेक्टेड फ्यू होती हैं जो नॉट ओनली फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं बल्कि रिलायबल और वैल्यूएबल भी। इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से अपना एक स्ट्रांग मार्क बनाया होता है जो कि देश और दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेड होता है। इनकी रेपुटेशन काफी स्ट्रांग होती है क्योंकि इन कंपनीज ने सालों की मेहनत से अपनी जगह बनाई है। ब्लू चिप कंपनीज इकोनॉमिकली चैलेंजिंग टाइम्स में भी अपने बिजनेस को सस्टेन करने में माहिर होती हैं। बहुत सी ब्लू चिप कंपनीज रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं और इनके स्टॉक्स को मार्केट में फ्लक्चुएशंस कम अफेक्ट करती हैं। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ITC, सबसे पहले बात करते हैं ITC की, जो FMCG सेक्टर में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है। ये कंपनी 1910 में शुरू हुई थी और अब पैकेजिंग, होटल्स, पेपर बोर्ड्स और एग्री बिजनेस में भी काम करती है। ITC के FMCG ब्रांड्स जैसे आशीर्वाद, सनफीस्ट, यिपी, बिंगो, फियामा, विवेल, सैवलॉन और क्लासमेट आज हर किसी के रेडार पर है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 5,70,509.58 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 499.60 रुपीस और लो 325.85 रुपीस है। इसका TTM EPS 16.18 रुपीस, PE 28.28, ROE 27.75% और डिविडेंड यील्ड 3.39% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 सालों में करीब 118% और 5 सालों में करीब 62% रहा है। सो व्हाई हैव वी चोजन ITC? दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ITC हर साल ऑन एवरेज 3000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और आने वाले साल में ये इसका 35-40% तक नॉन सिगरेट FMCG बिजनेस सेगमेंट में लगा सकती है। सितंबर 2023 में ITC ने वेलकम होटल्स लंका प्राइवेट लिमिटेड में 3000 करोड़ रुपीस का इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी किया था। ITC अब नॉन सिगरेट FMCG प्रोडक्ट्स को ग्रो करने पर फोकस कर रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और नए आइटम्स ऐड करके और साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा रही है। सिगरेट बिजनेस में भी उनका एम है टोबैको कंजम्पशन में सिगरेट का शेयर बढ़ाना। ITC की रोबस्ट और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ जारी रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की जो 1956 में स्टार्ट हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में आज भी लोग LIC का ही नाम लेते हैं। वैसे ये लाइफ इंश्योरेंस के अलावा पेंशन प्लान्स, यूनिट लिंक्ड प्लान्स और हेल्थ प्लान्स भी ऑफर करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 5,20,136.19 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 825 रुपीस और लो 530.20 रुपीस है। इसका TTM EPS 58.86 रुपीस, PE 14, ROE 79.69% और डिविडेंड यील्ड 0.36% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 महीने में करीब 26% और 1 साल में करीब 17% है। So why have we chosen Life Insurance Corporation of India? November 2023 में ही LIC ने अपना नया लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जीवन उत्सव लॉन्च किया है। इसके अलावा कंपनी ने जुलाई 2023 में एक नया टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन किरण भी लॉन्च किया था। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, 1958 में लॉन्च हुई थी और ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। ये कंपनी एल्यूमिनियम और कॉपर बनाने में माहिर है। इसके अलावा ये केमिकल्स, कार्गो हैंडलिंग, फर्टिलाइजर्स और एसिड्स के काम में भी है। इस कंपनी के फुटप्रिंट्स 10 देशों में फैले हुए हैं और कुल मिलाकर इसकी लगभग 50 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,36,226.27 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 607.30 रुपीस और लो 381 रुपीस है। इसका TTM EPS 37.48 रुपीस, PE 16.17, ROE 10.65% और डिविडेंड यील्ड 0.50% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 154% और 5 साल में करीब 173% है। सो व्हाई हैव वी चोजन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज? दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ओडिशा में बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है जिसमें ये 800 करोड़ रुपीस निवेश करेगी और ये प्लांट जुलाई 2025 तक शुरू हो सकता है। अब नेक्स्ट वी हैव इंडसइंड बैंक।
आगे बात करते हैं 1994 में शुरू हुए एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की। इंडिया में इंडसइंड बैंक की 2,631 ब्रांचेस हैं और 2,903 ATMs भी हैं और पूरे इंडिया में ये 37 मिलियन ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। इसके अलावा इस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस दुबई और लंदन में भी है। बैंक का मार्केट कैप करीब 1,24,188.27 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,600 रुपीस और लो 990.25 रुपीस है। इसका TTM EPS 107.15 रुपीस, PE 14.90, ROE 13.60% और डिविडेंड यील्ड 0.88% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 87.27% और 5 साल में करीब 2.11% है। So why have we chosen IndusInd Bank? बैंक का नेट प्रॉफिट FY23 के क्वार्टर 2 की तुलना में FY24 के क्वार्टर 2 में 22% तक बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 18% का राइज हुआ है। बैंक के कुल डिपॉजिट्स में 14% और कुल एडवांसेस में 21% की बढ़त रही है। जून 2023 में बैंक ने नागपुर में एक नई ब्रांच खोली थी। जुलाई 2023 में बैंक के बोर्ड ने डेट सिक्योरिटीज के जरिए 20,000 करोड़ रुपीज रेज करने की मंजूरी दे दी थी। भारती एयरटेल, आखिर में बात करते हैं 1995 में शुरू हुई एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की। भारती एयरटेल 2G से लेकर 5G तक मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज देती है। इसके अलावा ये हाई स्पीड होम ब्रॉडबैंड DTH और डिजिटल TV सर्विसेज भी देती है। पूरी दुनिया के मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स की लिस्ट में भारती एयरटेल सब्सक्राइबर्स की संख्या में तीसरे नंबर पर आती है और इसके पास 490 मिलियन से ज्यादा ग्राहक है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 5,73,252.90 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,046.35 रुपीस और लो 736.20 रुपीस है। इसका TTM EPS 13.19 रुपीस, PE 77.42, ROE 9.19% और डिविडेंड यील्ड 0.39% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 97% और 5 साल में करीब 222% है। सो व्हाई हैव वी चोजन भारती एयरटेल? कंपनी का रेवेन्यू FY23 के क्वार्टर 2 के मुकाबले में FY24 के क्वार्टर 2 में 7% तक बढ़ा है। FY24 के क्वार्टर 2 में कंपनी ने 9,206 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है। इसी दौरान कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 203 रुपीस तक पहुंच गया है, जो कि इंडिया की सभी टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2023 में भारतीय टेलीकॉम ने 8,301 करोड़ रुपीस देकर भारतीय एयरटेल में अपना स्टेक 1.35% से और बढ़ा लिया था। तो ये थे हमारे टॉप 5 ब्लू चिप स्टॉक्स। इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हर इन्वेस्टमेंट में अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इनमें से कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।